Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, your English language instructor, Muhammad Hasnan, once again with all of you people today. After quite a bit of swimming in the Khanpur Dam, it's quite a pleasant day. It's a great weather. It's quite windy here, and the waves are going at an all-time high. And as you guys can see around me, quite a lot of, fishing rods near me. Now, you may ask, where these fishing rods came from. I'm not the one who's doing the fishing. We have some fishermen with us. So, chaliye unse aaj baat karte hain, unse aaj milte hain. So, without further ado, joining us is Mr. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kaise hain aap? Ji, main theek, but aap theek hain? Acha, alhamdulillah, alhamdulillah. Aap zara thoda sa ek aap zara thoda sa hame apne bare mein bataiye aur ye fishes ke bare mein. फिशेज के बारे में कि भी हम पकड़ते कैसे हैं जी, जैसे आपको नज़र आ रहा है ये सारे राड लगे हुए हैं, ठीक है। इससे हम अपना वो लेके आते हैं काफ़ी सारे आटे वगैरह और चरई खुराक वगैरह वो फेंकते हैं। उसके बाद फिर हम राडों पे छोटा चिलवा भी होता है देख, तो वो उससे पकड़ते हैं। अभी आपको दिखाते हैं हम जो पकड़ा है, ठीक है। ऐसा है खानपुर, यहाँ 4 किलो भी मछली लगती है, किलो वाली भी, 2 किलो वाली भी, आधा पाव वाली भी। बल्कि आपके सामने हमने छोटी मछली पकड़ी है, हम वो बीच में फेंक देते हैं। हाँ दिखाते हैं जी, तो आप एडो जरा इनको शिकार दिखा देने। अभी आपको मछली दिखाते हैं जो हमने पकड़ी है रात के, हम आए हुए हैं खानपुर डैम में जी। अभी आपको दिखाते हैं, लेट्स टेक अ लुक। चले आए, वो आ रहे हैं, वो इधर ही लेके आ। अच्छा, वो इधर लेकर जी जी जी। वैसे देखा जाए तो ये तो काफ़ी मुश्किल काम होगा ना, अगर हम चाहें तो हम लोग इसकी जगह ख़रीद कर अपने लिए कुकिंग कर सकते हैं। तो ये क्यों आप करते हैं और इसके पीछे क्या होता है? एज ए शौक। अकेला आ गया। जस्ट एज यू गाइस कैन सी राइट देयर, वी हैव सम ऑफ दोस फिशेस दैट दीस गाइस हैव गॉट। सीम्स लाइक देयर क्वाइट अ लॉट ऑफ फिशेस एक्चुअली। There are still alive ones that are still breathing and still flapping around. There are large ones, small ones, and pretty much a lot of them, as you guys can see that. अच्छा, ये अभी इसमें से हमें समझाएं कि कौन सी फिश है। ये चैना है, ये वाली जी जी, ये बड़ी दो हैं और दूसरी नरैन है, ये वाली जी जी। अच्छा, इनके नाम होते हैं ना, फिश के नाम होते हैं। अच्छा जी 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 जी। अच्छा, इसके अलावा भी और भी फिश होती हैं, लेकिन हमारे पास जो अभी मौजूद हैं वो ये हैं। ओके ओके, तो मुश्किल है पकड़ना? मुश्किल है ना। अच्छा, मुश्किल, क्योंकि ये सब्र का काम है। तो फिर से शौक की बात आपने जिस तरह की, सो क्यों है ये शौक? कुछ लोगों को गेम का शौक होता है, कोई स्नोकर का किसी को शौक होता है, किसी को फुटबॉल का शौक होता है। हमें एक तो ये आउटिंग हो जाती है, हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम ये बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, अपनी वोटिंग के लिए भी आते हैं और ये जो एक शौक़ है वो भी हमारा पूरा हो जाता है। वेल, बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर। तो एवरेज पर कितना टाइम लगता है आपको यहाँ पर फिशेस ढूंढने के लिए? एक तो ये पॉइंट हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं। रात में उधर बैठे थे, वो थोड़ा दूर है, तो कुछ भी नहीं लगा, पूरी रात बैठे, कुछ भी नहीं लगा। सुबह हमने वहाँ से अपना चेंज किया इधर, तो बस किस्मत है, किस्मत है, ये है किस्मत। लग गया। हम इसके लिए एज ए आते भी नहीं है, हम अपना खाना पीना सारा कुछ साथ लेके आते हैं। हाँ। तो लग गया तो ठीक है, नहीं तो आउटिंग होगी। हाँ, अभी हम निकल रहे हैं, आउटिंग होगी हमारी, रात की हम आए हुए हैं, अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं सारे बस जी। तो फिर इसका क्या करेंगे, ये आप लोग खाएंगे? जी जी खाएंगे। ये देखें हम कितने लोग हैं, 7-8 लोग हैं हम। हाँ, इसको फिर हम बकायदा बेहतरीन करके ना, ये भाई जो है ये बारबेक्यू भी करते हैं ना। अच्छा, ये आमिर भाई हैं, ये इस काम के टीचर हैं जी फिश के। ये हमारे आमिर भाई हमारे पास है। मुश्किल नहीं लगता क्योंकि वो फिश तो स्मेल भी करती है और ये काफी मुश्किल होगा? नहीं, असल में ये बात है कि जब हम इसको तैयार करते हैं तो इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं लगती। सबसे बढ़कर ये हमारा शौक है, तो शौक में सारी चीजें आप इजीली होती हैं। So just as you guys saw right there, as they know, obsession or love for a certain thing has no limits to itself, and that was the scenery of Pakistan, as you guys can see around.
It's a beautiful place. You guys should come here and visit sometime. Not only can you find fishes, even, and you can also find some beautiful places to swim. You can also find a beautiful area to view at. You can have boating services, skiing services, and a lot of other services with you. And it's totally an amazing and a beautiful place. This is the beauty of Pakistan. Like, I have had people that are from all around the world, and they don't believe me when I tell them that these are the places of the Pakistan. So it's one of the nature and one of the most beautiful places of Pakistan, the heaven on earth, if you want to call that. That was all for today. Thank you so much for watching, and Allah Hafiz.